योगी ने जनसभा को किया संबोधित, सपा पर साधा निशाना, कहा बुलडोजर बोलता नहीं बल्कि माफियाओं की बोलती बंद करता है। जौनपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की जनसभा, क्लेश पर कसा तंज, कहा आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवाते हैं लोग। गौना में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली धमकी भरा पत्र, पत्र मिलने से मचा हड़कंप, पत्र में मिली जान से मारने की धमकी। प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद, शराब की दुकान पर की 20 पेटी शराब की चोरी, चोरी करते चोर हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में विधानसभा चुनाव प्रचार करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधने के साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है बल्कि माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। महाराज जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपील करने आए थे और हम लोगों को आशीर्वाद देने आए थे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताने आए थे, जो कार्य हुए उनको बताने आए थे और यह भी बताने आए थे कि माफिया पर बुलडोजर तैयार है चलेगा और बुलडोजर और विकास दोनों एक साथ चलेंगे, विकास भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। आप बात करते करते स्टेज पर काबू हो चुके थे, कहीं ना कहीं आपको अपने भाई का भाई की याद आ गई, क्या कहेंगे इसको लेकर के? भाई की याद, भाभी बैठी हुई थी मंच पर और बात करते करते माफिया की बात आते आते भाई पर बात आ ही जाती है, भाई की बात आई तो मन भावुक हो जाता है। जौनपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के पट्टी नरेंद्रपुर गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें टोटी चोर कह दिया। वहीं सपा पर तंज कसते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि वो लोग आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और बीजेपी आतंकवादियों को फोटो में टांगना चाहती है। मुझे स्वर दे देना कभी कभी, ढोलक बजाएंगे जब कहेंगे तब। कि जवनी असिसिया मैया ओह मलिनिया के दिहलू मैया ऊहे असिसिया। हमने जीवन में अपने लिए मांगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए मांगा, अभी गली गली घूम करके बुलडोजर बाबा के लिए भी मांगा था। अच्छा, बुलडोजर बाबा कहते आप समझ गए के बात कर करी ना? बुलडोजर बाबा मतलब जोगी जी। वाह, अच्छा देखो जनता नाम भी गजब देती है भाई। जोगी जी के नाम हो गई बुलडोजर बाबा और कई लोगन के नाम करण हो रहा है। ये देखो आप और नाम सुनाई। संत कबीर नगर चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। सपा नेता केडी यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से जनता प्रभावित होकर सपा की सरकार बनाने जा रही है। जनता चुनाव प्रचार के बाद आज सभी पार्टियों के घोषणा पत्र पर मंथन करने के बाद मतदान करेगी। सपा नेता केडी यादव और उनके सहयोगियों से खास बातचीत की। हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने क्या कुछ कहा केडी यादव ने, आप भी सुनिए। छठे चरण का मतदान कल होना है और ये अंतिम रात है और कत्ल की रात मानी जाती है, चुनावी कत्ल होता है और अंतिम रात में जो है काफ़ी फेर बदल और काफ़ी संभावनाएं रहती हैं मतदाताओं के ऊपर। हर पार्टी के लोग जो है अपना अपना प्रयास करते हैं कि अपने पाले में लाने का प्रयास करते हैं, तो आज कत्ल की रात है और उसी मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आज की रात, कल सुबह 7 बजे से मतदान है, पोलिंग है, मतदाता जो है आज मंथन करेगा कि किस
पार्टी को वोट दें और अपने हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, तो उनसे जानते हैं कि आज कत्ल की रात है और किसका कत्ल होगा। केडी साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद। क्या मानते हैं आज कत्ल की रात है तो किस चीज़ का कत्ल होगा, और मतदाताओं के अंदर आज समीक्षा का दौर है और अब तक जो है प्रचार अभियान थम चुका है और अब तक सारी पार्टियों ने अपने प्रचार अभियान के तहत जो है मतदाताओं को रिझाने की कोशिश भी की है और अपनी अपनी पार्टियों की जो मैनिफेस्टो थे उसको जनता तक पहुंचाया, तो आज की रात जो है समीक्षा करेंगे मतदाता और कल ही जो है पोलिंग करेंगे, तो आज किस चीज़ की जो है कत्ल होगा? देखिए, अभी तो सारी पार्टियों ने अपना जोर और दम लगाया है, लेकिन जनता ने 5 साल तक जो परेशानियां, जो दिक्कतें झेली हैं, किसान, नौजवान, बेरोजगार, व्यापारी, हर समाज के लोगों ने तय किया था अब की बार इस सरकार को हटाना है। चूँकि ये चुनावी समय चल रहा था, इसमें हर लोग, तमाम तरह के लोग दौड़ करके अपने लोगों के वहाँ भीड़ भाड़ जुटाने का काम कर रही थी, लेकिन वोट देने वाले अब की बार ये मन बना लिए हैं कि अब की बार हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, इस नाते देंगे। जो कत्ल की बात आपने किया, सही है, कत्ल की रात है। इस कत्ल की रात में इस भाजपा की सरकार में जो बेरोजगार थे, जो परेशान थे, आज उस तानाशाही सरकार का कत्ल होगा। और वो जो नौजवान, वो किसान जो लाठियां खाया है, वो व्यापारी जिसका GST से लेकर के हर जगह उनका रोजगार छीना है, वो किसान, वो व्यापारी, वो नौजवान, आज सब हर समाज के लोग ये तय कर रहे हैं, जो जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं आपका जो पेंशन बहाल कर दूंगा, वो नौजवान जिसको कहा था मैं 11 लाख रोजगार दूंगा, आज उनका आज जो है अच्छा सम्मान करने का काम जनता करने जा रही है आज की रात से। और वो नौजवान जो परेशान था, आज वो परेशानी का कत्ल होगा आज की रात में। उस परेशानी को ठीक करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लोगों में मन में है, आज जो हम चुनाव के वक्त में जो हम लोग लड़े हैं, हम लोग क्या जनता लड़ी है, कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तो लड़ा है हमारा, लेकिन वो जनता, वो बेरोजगार, वो BEd, वो TT वाला, वो जो है जो जिसको दवा नहीं मिली है कोरोना काल में, वो लोग जो पैदल चल करके आए हैं, उनको आज जो है आज वो लोग आपकी बार मन बनाए हैं कि कल जो वोट पड़ने जा रहा है इस मुद्दे पे पड़ने जा रहा है, और हमारी इस जनपद की हमें लगता है कि 3 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि अन्याय का कत्ल होगा या फिर जनता, आज समीक्षा का दौर है, आज अंतिम रात है, जनता समीक्षा भी करेगी, तो आप समाजवादी पार्टी के तरफ से आप लोग क्या मानते हैं कि क्या क्या समीक्षा जनता करेगी आज? देखिए, जनता समीक्षा आज वही करने जा रही है जो 5 साल आज योगी सरकार और मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जिस तरह से लोगों को अपना रोजगार मांग रहे थे, उन्हें लाठियों से मारा जाता था। आज जिस तरह से व्यापारी अगर उनका जो वक्त था 2 पैसा कमाने का, तो उस समय उन्हें कोरोना काल से लेकर के लाठियों से मार के उनकी दुकानें बंद कराई गई। निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमें अपने कार्यक्रम में रखा। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपना कंपेनिंग की है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कृत रहा है 5 साल का, उस कृत को देखते हुए नौजवान हो, बेरोजगार हो, हर वर्ग के लोग परेशान थे, व्यापारी परेशान था, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चरम पे थी, जहाँ पर आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते थे कि हमारे प्रदेश से गुंडे भाग चुके हैं, और उन्हीं के संरक्षित गुंडों द्वारा पुलिसिया दमन करके कानपुर के एक व्यापारी की हत्या कानपुर के होटल में कर दी जाती है, उनका जो निजी शहर है अपना गोरखपुर। तो इस सब चीज़ों से जिस तरह से हताशा और निराशा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है, और वो हताश होकर आज चुनावी दौर में भी, अभी देखिए फाजिल नगर में आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर कायराना हरकत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा उनके ऊपर पथराव किया गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई। तो इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज विफल हो चुकी है। छात्र, नौजवान, हर वर्ग का लोग, हर तबके के लोग भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। निश्चित तौर पर एक बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। हमारे साथ भंडारी जो है महासभा के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं बबलू भंडारी जी, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या मानते हैं कि आज कौन से मुद्दे को लेकर आज जो है जनता समीक्षा करेगी और कल मतदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मानते हैं कि कौन से मुद्दों को लेकर जनता आज समीक्षा करेगी, आज की रात समीक्षा की रात है और कल सुबह मतदान है?
जनता यहाँ समीक्षा कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे नेताजी ने बहुत काम किए हैं, उसी पर हमारी सरकार आ रही है, यहाँ से हमारे विधायक होने जा रहे हैं। अलगू चौहान जी छड़ी निशान। गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को धमकी भरा पत्र और मिर्च पाउडर मिलने के बाद हड़कंप मच गया। करनेलगंज से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ सांसद प्रतिनिधि में मुकदमा दर्ज कराया गया है। केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण सिंह के प्रतिनिधि सुशील कुमार सिंह ने थाने में तहरीर दे दी है और बताया गया है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह के नाम एक स्पीड पोस्ट से एक लिफाफा भेजा गया जो कि 18 फरवरी को सांसद को मिला। लिफाफा खोलने पर उसमें एक धमकी भरा पत्र और 500 ग्राम मिर्ची का पाउडर मिला। पत्र में लिखा था कि मुसलमानों के खिलाफ चुनाव में आपने बयानबाजी की है, मैं उसकी निंदा करते हुए चेतावनी देता हूं कि संभल जाओ, तुमको जान से खत्म करने का मैंने पार्टी के नेताओं ने अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर प्रबंध कर लिया है और जल्द ही इसका अंजाम तुमको दिखाई पड़ेगा। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि त्रिलोकीनाथ तिवारी करनेलगंज से कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच भी की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अनुराग मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये पूरा मामला किस तरह से है? अनुराग, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है तो आप बता दें। अनुराग, इस पूरे मामले को किस तरह से हम समझें, क्योंकि गोंडा में सांसद है ब्रजभूषण, उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है, मिर्ची पाउडर मिलने से हड़कंप मच गया, साथ ही साथ तहरीर भी दे दी गई है, क्या कार्रवाई हुई? जी बता दें दर्शकों को, जिस तरीके से सांसद तिलोत्तम सर से ये बाहुबली सांसद माने जाते हैं, इनका एक तो अनुराग तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो सांसद ब्रजभूषण शरण को धमकी मिली है, बताया जा रहा है कि इसको लेकर एक FIR भी दर्ज कर ली गई है। करनेलगंज से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ सांसद प्रतिनिधि में मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि सुशील कुमार सिंह ने थाने में तहरीर दी है। स्पीड पोस्ट के जरिए 18 फरवरी को लिफाफा मिला जिसमें धमकी भरा पत्र था और साथ ही साथ मिर्ची पाउडर भी रखा गया था। बस्ती में छठे चरण का चुनाव होना है जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 5 विधानसभाओं के लिए पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से रवाना हो चुकी हैं। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरे जिले में 16 जोनल मजिस्ट्रेट, 35 स्ट्रेटिक मजिस्ट्रेट और मतदान के लिए 16,302 मतदान कर्मी, मतदान के लिए पुलिसकर्मी की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ ही आदर्श बूथ 56 और 5 पिंक बूथ स्थल बनाए गए हैं। आज करीब 2700 पोलिंग पार्टीज रिज़र्व मिला करके यहाँ से रवाना होंगी, तो यहाँ पे रवानगी की व्यवस्था जो है मंडी स्थल में करी गई है। सारे वाहनों की पार्किंग पॉलिटेक्निक में है और प्रत्येक बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है व्यवस्था करी गई है। कुछ अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए? हमारे पास लगभग 300 अति संवेदनशील बूथ हैं और प्रत्येक अति संवेदनशील बूथ पर वेबकास्टिंग एवं माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती करी जाएगी। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर का रहने वाला हितेंद्र आखिरकार अब पोलैंड पहुंच गया है। 24 तारीख से ही वो कीव में फंसा हुआ था। हितेंद्र के पोलैंड पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। उसके कीव में फंसे होने की वजह से उसके परिजनों का बुरा हाल था। यूक्रेन में अभी भी काफ़ी छात्र फंसे हुए हैं। जितने भी छात्र फंसे हुए हैं, भारत सरकार लगातार उनको लाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन से औरैया वापस आए बच्चों के माता पिता बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार की सराहना कर रही है। घर पहुंचकर छात्रों में खुशी की लहर भी देखने के लिए मिल रही है। यूक्रेन से भारत लौटी अदिति की माने तो जब हमला हुआ था तो वो लोग बहुत डर गए थे। उनके पास 20 किलोमीटर की रेंज में हमले हो रहे थे। फिलहाल परिजन छात्रों के वापस लौटने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और लगातार भारत सरकार का धन्यवाद अदा कर रहे हैं।
बमबार्डिंग शुरू हुई उसके बाद तो बस ये लग रहा था कि बस घर ही जाना है, तो बॉर्डर तक पहुंच ये लग रहा था कि बस बॉर्डर तक किसी तरह से पहुंच जाएं और क्रॉस कर जाएं। तो मेन दिक्कत बॉर्डर क्रॉस करने में थी। फिर उसके बाद रोमानिया पहुंचे हम लोग, फिर रोमानिया में भी दिक्कत वैसे कुछ नहीं थी लेकिन टेम्परेचर माइनस में था। हम लोग 6-7 घंटे तक माइनस में लाइन में लगे रहे रिफ्यूजी वीज़ा के लिए। फिर उसके बाद उन रोमानिया होटल में उन्होंने रुकवाया, फिर खुद से बस करवाई। तो और मेन दिक्कत जो है वो जैसे ही हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ है, वहाँ पे रुक भी नहीं सकते हैं। और रात में टेम्परेचर माइनस में था, हम लोग -10 में और स्नो भी हो रही थी, तो -10 में स्नो में बाहर बैठे रहे, कोई ना खाने की व्यवस्था थी ना पीने की, जो हम लोग अपने साथ ले गए थे बस वही था। और ये था कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। लखनऊ में शिक्षा विभाग के कई सीनियर कर्मचारी जो कि शिक्षा विभाग से सेवाएं देकर रिटायर हो चुके हैं, उनको कठिनाइयों के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों को ना ही पेंशन मिली ना ही सैलरी का पैसा जो कि बकाया है, उसका हम कोर्ट से मुकदमा भी जीत चुके हैं। और साथ ही साथ वो तमाम सेवाएं जो हमने शिक्षा विभाग को दी हैं उसके बदले में जो सेवा हम लोगों को मिलनी चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। आज हम उस समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं जिसे शासन विमुख है। अपट्रॉन के बंद हुए आज करीब 20 साल हो रहे हैं और उसके कर्मियों को विभिन्न विभागों में समायोजित किया गया, आमेलित किया गया, किंतु सभी कर्मचारी अब दर दर भटक रहे हैं क्योंकि उनके सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बहुत से लोगों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, किसी का लीव इन्वेस्टमेंट भुगतान नहीं हुआ है, कुछ लोगों का ग्रेचुटी का भुगतान भी नहीं किया गया है। इसके लिए आपने कोर्ट में कब केस किया था और कब इसका आदेश हुआ, कितना समय बीत गया? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2011 में शासन ने आदेश कर दिया था कि अपटाउन के समस्त कर्मियों का समायोजन जिस विभाग में प्रतिनिधित्व पे काम कर रहे हैं वहीं पे कर लिया जाए। उस क्रम में शासन ने 2013 में आदेश जारी किया कि जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं उनको वहीं पर समायोजित करते हुए और जो है सारे लाभ उनको प्रदान किए जाए। वहीं जालौन के भेड़ी खंड पर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए अवैध खनन जुर्माने की धनराशि के साथ 7 हैवीवेट पोकलैंड मशीनें और 2 ट्रक जब्त कर लिए। बता दें कि खनन माफिया बेतवा नदी की जलधारा को रोककर अवैध खनन कर रहे थे। भेड़ी 3 पर कार्रवाई किया गया है। राणा कंस्ट्रक्शन नाम से जो है 6 मंथ जो है पीरियड का जो है खनन पट्टा है और इसमें 7 मशीन पोकलैंड मशीन और 2 ट्रक जब्त किया गया है जो अपना एरिया से बाहर थे और उस पर लगभग 1 करोड़ रुपया का जो है अवैध खनन लगाया गया है, जुर्माने की धनराशि लगाई गई है और अगर जमा नहीं करते हैं तो फिर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर अभी कितने और घाट ऐसे हैं जो अवैध चलन पर, क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? अभी तो जो सूचना शिकायत मिली थी उसी की थी जिस पर कार्रवाई किया गया है और जब भी शिकायत मिलती है तो जांच की जाती है, जो भी अवैध मिलता है उस पर कार्रवाई की जाती है लगातार। वहीं प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कंधई थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर देसी शराब की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 20 पेटी शराब नकदी की चोरी की और मौके से फरार हो गए। वहीं चोरों की तरफ से की गई चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित सेल्समैन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं बांदा में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर से अपने दोस्त से मिलने के लिए निकला था, जिसके बाद शहर के पलहरी रोड आरटीओ ऑफिस के पास उसका शव पड़ा मिला। वह युवक की मौत की खबर मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू की है। अभी हम लोग को एक सूचना मिली थी कि यहाँ बबेरू रोड पर एक बॉडी गिरी है सड़क पर, तो उसी सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर आए और जो यहाँ पे जो लोग जो जिन्होंने देखा है, आई विटनेस जो लोग हैं, उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति है
जिसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और जिसके बाद वो गाड़ी तेज़ी से आगे निकल गई और उसके बाद जब वो वहाँ पर गया तो वो व्यक्ति मर चुका था। बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो मृतक है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही एक्चुअल स्थिति क्लियर होगी और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बिजनौर के थाना नूरपुर के निजी बैंकेट हॉल में पिटाई का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मामूली कहासुनी को लेकर लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। तो वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बिजनौर का एक वीडियो बताया जा रहा है जहां पर बारातियों की जमकर पिटाई की गई है। इस दौरान बारात में कुर्सियां, लाठी डंडे भी चले हैं जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तो इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोहे का ढा रखा उन्होंने। बिजनौर का ये वीडियो जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है जहां पर किसी बात को लेकर बारातियों की जमकर पिटाई की गई है। मेज कुर्सी, लाठी डंडे, लात घूंसे चलते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रही है। इस पूरे मामले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक है। मेरठ में सरधना रोड स्थित आशुतोष अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने आधी रात को कई घंटे तक जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इलाज में अनियमितताएं बरती गई जिससे गर्भवती महिला की मौत हो गई। सूचना पर इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो मेरठ का ये पूरा मामला है जहां पर अस्पताल के बाहर परिजनों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल यहां पर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा काटा, अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। तो मेरठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मेरठ में सरधना रोड स्थित आयुष अस्पताल का है जहां पर गर्भवती महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने आधी रात को कई घंटे तक जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इलाज में अनियमितताएं बरती गई जिससे गर्भवती महिला की मौत हो गई। सूचना पर इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।